ये भैया अपने गांव की माचक नदी, दोनों साइड टका टक जा रही है। अभी ये ना थोड़ी देर से तेरा मंगू भैया कब की आयल है? कब की आयल है? अभी आधा घंटा पहले चढ़ी है, अभी बढ़ती जा रही है। नज़ारे देखो, नज़ारे ब्रिज पे लोग कितने हैं। ओ भाई, पूरे गांव की पब्लिक पूरे गांव के ब्रिज के ऊपर। अरे काई कर रहे आचार जी। ओ भाई, भयंकर पानी, डर भी भयंकर लग रहा है। देखो भैया, युवा ये हमारे गांव के युवा बिल्कुल विशेष तौर से एकदम ऐसे देख रहे हैं। तो देखो भैया, ब्रिज के ऊपर से पानी आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन पब्लिक अभी भी हार मानने वाली नहीं। पब्लिक देखो, अरे भैया चलो, अब घर चलो। आया तो ना बंद कर ले, कर ले। ये नदी पब्लिक मानने को तैयार नहीं है अभी। अब तो बिल्कुल पूरे पुल के ऊपर से जा रही, पर पब्लिक अभी भी मानने का तैयार नहीं है। बढ़ रही है अभी ध्वनि की, कम होने लगी कि राहुल अब थोड़ी ना बढ़ रही। महाबली नदी देखने के बाद जा रहे हैं अपन खेत की साइड। खेत की साइड जो नदी है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। हमारे खेत की कंडीशन देखें तो ये कंडीशन है खेत की, इतना पानी भरा रहता है, मतलब खेत साइड और भी तेज पानी है, निकल जाएगा पूरा बाहर। इसके बाद लास्ट में आ गए हैं अपने खेत के पास, और नदी का व्यू देखिए यहाँ पे नज़ारा, पानी कितना तेज़ है और कितना ज़्यादा है। यहाँ पर जो पानी आता है ये दो नदियों के संगम के बाद आता है, माचक नदी और उसके साथ में सुकनी नदी। अगर मेलघाट की बात करें तो देखिए, मैं थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर यह है मेलघाट, ये यहाँ पर नदियाँ मिलती हैं, इसलिए दो नदी का पानी है जो थोड़ा सा तेज़ रहता है। और ये अपना फॉरेस्ट विभाग इसके जस्ट साइड से, और पानी कितना ही तेज़ आ जाए, अगर ऊपर तक भी आ जाता है, अगर इससे डबल भी हो जाता है तो भी अपने फॉरेस्ट विभाग में पानी जो भराएगा इसका कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जितना पानी भराएगा उसकी मिट्टी छूट के जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है पूरा स्टेबल रहता है, भरा हुआ रहता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब इस साइड से तो मैंने आपको दिखा दिया, अभी थोड़ा सा इस साइड से दिखाता हूँ कितना ज़्यादा पानी है। तो देखिए, अभी इस साइड से देखिए, दो हज़ार तेईस की ये पहली नदी है जो कि ब्रिज के ऊपर से गई है। शायद इससे पहले भी निकली हो, लेकिन वो रात में निकली होगी तो किसी ने ज़्यादा देखी नहीं है। लेकिन इस बार तो पूरे नदी के नज़ारे और मज़े पूरे सारे लोग ले रहे थे, ब्रिज के ऊपर से भी आपने देखा था। काफ़ी दिनों में क्या ऐसा होता है कि ब्रिज के ऊपर से नदी भी जाती है और पानी अपने गांव में कम आता है, पानी ऊपर ज़्यादा आता है। अपने गांव में अगर कम आएगा तो ब्रिज से बाहर जाके देख लेंगे, ये कहानी रहती है। और अब नदी थोड़ी थोड़ी नीचे उतर रही है, डाउन पे जा रही है ऐसा लग रहा है।